उनकी आवाज गूंजी यहाँ पर। आज करण कालन सर देखिए हमारे साथ है और रोमांच बना, कहीं सारा कमेंट आया देखिए टूर्नामेंट को शुभकामना कमेंटेटर पैनल को। चलेंगे, दो ओवर का मैच है, डीएम बॉयज बदलापुर टॉस जीते हैं, पहले बल्लेबाजी चुने हैं और पिछली दो मैच में देखिए प्रशांत ठाणके यांचाही शुभ शर्मा या मुख्य व्यासपीठावरती होत असताना हार्दिक मनपूर्वक स्वागत, जाऊया मॅच दिशेने, धन्यवाद। दो मैच में बांध कर रखे थे हर बैटर को सर भावेश पवार, लेकिन अराब शेख की तरफ से यहां पर देखिए कलाई से मोड़े हैं दो रन आता हुआ, सिर्फ 12 गेंद का मुकाबला है। देखिए कहते हैं ना, जितना छोटा संघर्ष होता है और जीत उतना शानदार होता है। मैच एकदम से छोटा हुआ है और सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, और जब मैच छोटा होता है ना तो दोनों टीम के खिलाड़ी का हाल थोड़ी से बेहाल हो जाता है कि अंतिम 12 गेंद में कैसे रोका जाए और 12 गेंद में कितना रन सेट किया जाए, ये माइंडसेट लेकर चलना आसान नहीं रहता है। लेकिन रोशनी को देखते हुए पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुने और ये चलिए भाई रिवर्स खेलने गए, स्विच हिट के लिए यहाँ पर वन बाउंस लिया और ये देखिए फील्डिंग के लिए एफर्ट बड़ा कमाल देना चाहते थे लेकिन दूर रह गए। लेकिन यहाँ पर फील्डर को देखने के साथ साथ मुझे कल फैजू का कैच याद आ रहा है। इस्तेमाल आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अराब शेख देखिए भाई क्या क्लास दिखाते हुए, इसलिए कह देना अच्छा शॉट सिलेक्शन का। और उसके बाद देखिए बता दिए भाई सर भावेश पवार, तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं और क्रिकेट का दस्तूर तो यही है। कहते हैं ना खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो, जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है, आखिरी सांसे तक संघर्ष करता है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, खरतर ज्यांच्या चिरंजीवच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा आपण पाहिली, वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण पाहिली, ते शिस्त वचन सेवा नातं या चार हंगामाने भरलेली शिवसेना, ते शिवसेनेचे बदलापूर शहराचे शहर प्रमुख माजी नगराध्यक्ष वामनजी बारकू म्हात्रे साहेबांचं या मुख्य व्यासपीठावरती शुभागमन होत असताना साहेब आपण आलात आपलं स्पर्धेच्या माध्यमातून, हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। नुराने कल ऐसे बल्लेबाजी किए थे, एक तरफ शाम चौधरी थे टीम करके देखिए, दूसरी तरफ नूरा ने एक फतेह इनिंग्स खेले थे। यहाँ पर दूसरा रन आता हुआ दो रनों के साथ देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 9 रन। कहते ना हाईओ में ट्रॉफी के तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, हर गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाना इतना आसान नहीं रहता है। भरत सर कहते हैं ना घायल तो यहाँ हर कोई परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। क्योंकि बात करेंगे घुड़सवारी टीम के सीजन की शुरुआत है, शायद हार से हुई थी, बहुत चर्चा हुआ लेकिन आज साबित कर दिया भाई फिर से एक बार कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम नहीं होता है। और यहां पर घुड़सवारी टीम ने साबित कर दिया कि 2-3 मैच हार जाने से हमारी कीमत कम नहीं हो जाएगी, जो दहशत हमारी टेनिस क्रिकेट में है वो दहशत बरकरार रहने होगी। लेकिन मैं बाकी की टीम को भी कमजोर नहीं मानना चाहूंगा, वो भी बेहतर क्रिकेट खेल के इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, उनकी भी 3 वक्त हो तो फिर वो भी राज कर सकते हैं। हर टीम की देखिए 2 साल 3 साल 4 साल राज करते हैं कार्य सम्राट देखिए नगर अध्यक्ष यहां पर वामन दादा मात्रे साहब, देखिए खूबसूरत चेहरा देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो, गरीबों के मसीहा। कहते हैं ना जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे सीसीटीवी पर नहीं। दादा देखिए यहां पर मंच पर तशरीफ रखे हैं और घर बैठकर टीवी पर देखा जा रहा है, यही तो हमारे लिए आईसीसी है भरत सर, यही तो हमारे लिए बीसीसीआई है। क्योंकि अगर आज ये टेनिस क्रिकेट इस मुकाम पर पहुंचा है, इन्होंने समाज के काम के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में भी जान लुटाई। यहाँ पर हवा में कीन है, फील्डर देखिए यहाँ पर तेज भाग कर आए थे लेकिन से गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद टेनिस गेंद हमेशा हरकत करती है। और उसके बाद देखिए 2 रन आता हुआ, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 11 रन। लेकिन कहते हैं ना चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है, बड़ा हिट के लिए हाथ उठाना पड़ेगा क्योंकि अंतिम 5 गेंद बचा है। मौका नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। यहां पर राव से एक मैदान पर हैं और पवन केनी क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी, इसलिए तो मैंने जिक्र किया भाई किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है, पवन केनी का डबल रोल है तभी आज टीम फाइनल तक है। छोटा गेंद लेकिन दूर से खेल गए, यहां पर बहुत बढ़िया कैच यहां पर राहुल केनी यहां पर लेते हुए देखिए
आज इनका भी सो एक बड़ा था, हारी हुई मैच को जीत में बदले थे राहुल केनी। जैसे कहते ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और जो हारी हुई बाजी को जीत दिला दे उसे राहुल केनी यानी बाजीगर कहते हैं। ज्यांचा वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण पाहतो आज, खरं तर वर्षातील खास दिवस 1 डिसेंबर, आणि वरुणजी वामन म्हात्रे साहेब त्यांचाही या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा शुभागमन झाले, हार्दिक मनपूर्वक स्वागत, पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या दादांना मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। थोड़ा सा यहाँ पर डीएम बॉयज बदलापुर टीम को हिम्मत जोड़ना होगा, एक अच्छा मेरी कम से कम 22 या 23 रन भी बना दीजिए भाई, फिर भी एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। शुरुआत के आराम से जैसे गेंदबाज रहेंगे, उसके बाद दबाव में वाइज जैसे गेंदबाज हैं, साहिम जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर हम नए बैटर की बात करेंगे। नन्ना देखिए भाई, ये तो बल्ला बहुत जल्दी घुमा लिए भाई, गेंद आने से पहले बल्ला फरार। भरत सर जैसे कभी कभी कहते हैं ना, शादी के मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार। इंतजार कीजिए, लेट कट यहां पर खेले, यहां पर इसे कहते हैं भाई, तेल मांगोगे तो सरसों देंगे, विकेट मांगोगे तो लेट कट खेल देंगे। और ये क्या हो गया भाई, खाया गुटका फोड़ा मटका, लगा 420 का झटका। जैसे गुटका खाकर हम बाजू में थूक देते हैं, तो उसी तरह से देखिए यहां पर खराब फील्डिंग से सामने बाउंड्री लाइन को वेट करता हुआ। एक एक खराब फील्डिंग आपको मुश्किल में ला सकती है, एक आध चौकी देखिए यहाँ पर आसान बना सकती है। टीम का स्कोर देखिए 16 रन, इस चौकी ने थोड़ा सा रनों की गति को बढ़ाई है। जैसे कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो एक आध चौकी छक्के से देखिए मैच थोड़ा सा दूर निकलता हुआ, और उसके बाद देखिए अच्छा वापसी, यहाँ पर भागना बहुत मुश्किल हो रहा है दूसरे के लिए यहाँ पर। और नन्ना कहाँ भागेंगे भाई, इतनी बड़ी बॉडी लेकर इनके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन आराम से बता रहे थे भाग धन्नु, बसंती का इज्जत का सवाल है, लेकिन यहाँ पर स्पीड अप करना होगा भाई, मतलब वो टीम आप तैयार रहिए जल्द से जल्द। करण सर पिछले मैच फिनिश किया, और इस मुकाबला में खास करके हमें फिनिश, और टारगेट की बात करेंगे, 17 बना है 18 की टारगेट है। कौन भूल सकता है भरत सर वो 17 नवम्बर 2019 जहां पर कोविड की मरीज पहले चीन में मिली थी, उसके बाद पूरी दुनिया में तबाही हाहाकार मची थी। कहा जा रहा था कि मास्क लगाइए सैनिटाइजर लगाइए, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं हुआ, मौत के आंकड़े बढ़ते गए। लेकिन कब मौत थमी, जब हमें डर समाप्त हुई। इसलिए तो कहा जाता है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। अगर 18 रन बचाना है, 18 की टारगेट जो 17 आपने बनाई है, तो फिर हिम्मत जोड़ना होगा। और जब कोविड की बात आती है, अमन दादा देखिए मैंने जिक्र किया, कोविड के समय देखिए बात करेंगे, गरीबों को मदद करना, गरीबों के घर अनाज बांटना और मेडिकल का सुविधा देना। आज जो खूबसूरत चेहरे देखिए हम देख सकते हैं, मंच पर तस्वीर रखे हैं, बहुत बहुत देखिए यहाँ पर अमन दादा साहिब का देखिए जिक्र तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि जरूरत है साहिब तुम्हारी उम्र भर के लिए, यूं ना जाना पल भर के लिए, हमारे दिल में रहना हमारी एहसास बन कर रहा है, और हमारे समाज के साथ साथ ऐसे हमारा टेनिस क्रिकेट को आगे बढ़ाना। इस तरह के हस्ती जब रहते हैं समाज के साथ साथ, देखिए टेनिस क्रिकेट खूबसूरत देखे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। चलिए भाई बात करेंगे आदरणीय तुकाराम म्हात्रे साहब के चेहरे पे भी देखिए स्माइल यहाँ पर खूबसूरत है। कहते हैं ना, जब दिल की बातें जुबान पर आ जाती है, जब आपने इतनी समाज में बेहतर काम करके आते हो, मैंने कोविड का समय की याद दिलाई, उस समय इतना मुश्किल समय था, सांसें कहाँ से ले और सांसें कहाँ छोड़े, ये मुश्किल होता था। एक खांसी अगर किसी को होता था तो दूसरा बंदा 10 मीटर दूर भागता था, लेकिन उस समय इन्होंने कोविड से संघर्ष किया है, गरीबों को मेडिकल का सुविधा दिया है, घर घर अनाज बांटे हैं, और आज देखे इस वक्त टेनिस क्रिकेट में भी अच्छा साथ मिलता हुआ। इसलिए भरत सर मैं कहता हूँ कि जिंदगी में काम ऐसा करो लोग आपको टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं। चलिए भरत सर भी शायद कोविड के शिकार हुए थे, लेकिन तुकाराम साहब का जिक्र किए, उन्होंने भी उनके पीछे पूरी जान जीव लुटाई निश्चित रूप से, तो चलिए चलेंगे, वही जान लुटानी होगी भाई। 18 का टारगेट अगर बचाना है तो अक्सर कहा जाता है बहुत सारे कमेंटेटर से कि जंगल में, मैं कभी भी कहता हूं कि जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में भावेश से जरा बच के रहना। अगर भावेश का विकेट शुरुआत में निकाल दिया तो कुछ भी हो सकता है। भरत सर कहते हैं ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना,
तो सबसे पहले मगर अरब शेख ये थोड़ा सा समय आप ले रहे हो, देखिए अंपायर थोड़ा वहां पर, अंपायर भी देखिए उनकी तरफ देख रहे हैं, देखिए समय मत लीजिए भाई क्योंकि बल्लेबाजी उन्हें भी करनी होगी। अरब शेख पेड़ लगाए लेकिन थोड़ा वक्त को देखिए, रोशनी को देखिए और चलेंगे यहां पर 18 की टारगेट है। पवन खेनी और सर भावेश पवार देखिए मैदान के ऊपर, और अरब शेख देखिए ये भी उतने बड़े बदलावपुर के कोई नहीं खिलाड़ी है भाई, ये भी चुनौती देना पसंद करते हैं। कहते ना खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो। डर तो यहां पर समाई हुई है ऑफ स्टंप के बाहर, देखिए व्हाइट गेंद से एक रन आता हुआ, यही तो मैंने कहा था डर आपको खत्म करना होगा, आज भी इतिहास गवाह है, कोविड में डर से ज्यादा लोग मरे हैं पॉजिटिव से नहीं, तो ये डर खत्म करना होगा क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं, हिम्मत छोड़ना होगा। चलिए यहां पर इशारा आ रहा है, यहां पर अराब खराब क्रिकेट थोड़ा आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है, समय ज्यादा आप ले रहे हो, हर किसी को पता है अंधेरा करीब आ रहा है, लेकिन रिवर्स खेलने गए और दो गेंद देखिए व्हाइट से, अभी तक कोई गेंद नहीं लेकिन दो रन आ चुका है, देखिए गेंद यहां पर डालनी होगी सिर पे, टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और गेंद डालना है 12 और अब जीत के लिए देखिए चाहिए 16 रन, 18 की जरूरत थी यहां पर। रिवर्स खेलने गए थे भावेश पवार और इस बार देखिए पटके हुई गेंद थी, वाइड की मांग कर रही है, कौन सी वाइड मुझे, क्या बाउंस की उछाल की, उछाल का यहां पर तीसरे अंपायर के लिए रेफर किए हैं और जय पवार सर देखिए तीसरे अंपायर के रूप में, भावेश पवार देखिए थोड़ा अंपायर की तरफ नजर घुमाई, अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है, कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर, और यहां पर तीसरे अंपायर का कॉल आता हुआ अतिरिक्त बाउंसर है वाइट यहां पर निश्चित रूप से, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर, और अभी तक तीन गेंद देखिए वाइट के रूप में, कोई डॉट नहीं निकलता हुआ, ये कोशिश कर रहे थे स्विच हिट के लिए भाई भावेश पवार, देखिए यहां पर अपना बल्ला चलाते हुए, इसलिए तो कहते हैं ना तलवार को देखकर उसकी धार का अंदाजा मत लीजिए, उसकी वार से उसके अंदाजा लीजिए। चौका आता हुआ, समीकरण बदलता हुआ, अब 11 गेंद 11 की जरूरत है, 11 गेंद 11 की जरूरत है। एक सफल टूर्नामेंट में तारीफ करना चाहूंगे यहां पर, जिस तरह से टूर्नामेंट की आगाज हुई थी और ये दर्शकों की तादाद बता रही है, चार चांद लगता हुआ इस टूर्नामेंट में, पूरी नबी नोडी लेकर देखिए कमेटी ने खूब मेहनत की है यहाँ पर, सर के केशव पर को मात्र स्मृति चषक देखिए 2023 है, एक सफल टूर्नामेंट, कामयाब टूर्नामेंट यहाँ पर, और ये चलिए भाई भावेश पवार के बल्ले से देखिए यहाँ पर 1K47 में मैच को कंप्लीट कर देंगे, समय बहुत वक्त छा चुका है। राजेश दादा मात्रे, धनराज दादा को, कुणाल दादा, अच्छी मेहनत, अद्भुत मेहनत इस टूर्नामेंट के लिए, और आखिरी समय में ये मैच आकर पहुंच गया है। 22 से देखिए एक रन आता हुआ, एक्स्ट्रा से एक रन आता हुआ, टारगेट देखिए थोड़ा छोटा था लेकिन शुरुआत में देखिए 3 एक्स्ट्रा गेंद से रन मिला और उसके बाद देखिए जो घुटना टेका और तमाशा दिखाया, और फाइनल का देखिए यहां से शुरुआत है, शायद किताब पर लिखी जाएगी इतिहास है। दीपक दादा प्रतिष्ठान जय बजरंग गौर से पॉ टीम 2023 सीजन की शुरुआत किया यहां से चैंपियन, और पनमेल कामोटी में भी टीम सुपर एट में पहुंची है,
और ये चलिए भाई पवन केनी, क्या संतुलन दिमाग। देखिए पिछली मैच में लगातार 5 छक्के दागे थे और इस बार देखिए एकदम से डिफेंसिव मोड पर बल्लेबाजी की, एक अच्छी खिलाड़ी की पहचान होती है। स्कोर की बात कर लेंगे, 15 रन और जीत के लिए देखिए भाई 3 रनों की जरूरत है। और पवन केनी ने जो पिछली मैच में बैटिंग किया भाई, ऐसा लग रहा था वो बैटर था या मटन का दुकान, छक्के का बारिश करते जा रहा था। अब संडे को चाहिए और क्या यहाँ पर विनिंग शॉट, और विनिंग शॉट यहाँ पर कौन बनेगा विश्वात्मा यहाँ पर दीपक दादा प्रतिष्ठान जय बजरंग घोरसाई टीम यहाँ पर बता दिए ले जाएंगे ट्रॉफी उठा कर ले जाएंगे और रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। ठोक दीजिए